चाहते हो कि आज से पढ़ाई करके बोर्ड्स में 95% स्कोर करते, 90+% स्कोर करते, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा दे, तो ये वीडियो आप ही के लिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि अभी ये टाइम बहुत कम है और इस टाइम में हम पढ़ाई नहीं कर सकते, इस टाइम में हम सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये वीडियो देखने वाले जिन्हें लगता होगा कि भाई अब नहीं हो सकता। तो जिस भी बच्चे को लग रहा है कि भाई अब नहीं हो सकता, तो मैं बोल रही हूँ भाई अब तुम चले जाओ। और जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं यार मैं कोशिश करूंगा, मैं एफर्ट्स लूंगा और अब करके बताऊंगा, वही वीडियो इस बच्चे, वही बच्चा इस वीडियो पर टिक जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि दीदी पूरा साल निकल गया यार, अब बस 1-1.5 महीना रह गया, ये टाइम बहुत कम है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी 1-1.5 महीना है, 2 महीने है, 3 महीने है, ठीक है, मार्च में एग्जाम है, 2 महीने पकड़ के चल लो, 2 महीने तुम्हारे पास, क्या ये टाइम कम है भाई? एवरेज ना आप कहीं पे भी निकाल लो, एवरेज ना 10th के स्टडीज पूरा करने के लिए, 10th के सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 30 दिन बहुत हो गए, ठीक है, तभी भी आपको दिए जाते हैं 12 महीने, ठीक है, 12 में से 10-11 महीने आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, फिर लास्ट के महीनों में आपको याद आता है कि भाई पढ़ाई करनी भी है, पर वो भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक बच्चा शिद्दत से लगे जाए ना तो 30 दिन में या 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दे। और ऐसा नहीं है कि आप पूरे नल्ले आए हो, ठीक है, आपके 2 चैप्टर्स तो हुए होंगे, 3 चैप्टर्स तो हुए होंगे, राइट। और जिनको बच्चों को लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, तो मैं आपको ना एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ, मैं 1.5 महीने का नहीं देना चाहती हूँ, मैं 2 महीने का नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस 1 हफ्ते का रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते में आपके पास कितना टाइम बचा है और आप उस टाइम में कर क्या रहे हो, आप ये सवाल खुद को पूछना, ठीक है। तो देखो भाई आप 1 हफ्ते की बात लेते हैं, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते की बात लेते हैं, 1 हफ्ते में टोटल होते हैं हमारे पास 7 डेज, ठीक है, 6 घंटे आप पकड़ लो आप स्कूल को जा रहे हो, अगर आप 6 को कर लो तो आपके टोटल हो रहे हैं समझो 40 घंटे आप स्कूल को जा रहे हो, पूरे पूरे हफ्ते में आप 40 घंटे स्कूल को जा रहे हो। उसके बाद आप रोज 8 घंटे सो रहे हो, आराम से मजे मार के सो रहे हो, ठीक है, अगर हम 7 दिन का पकड़ ले तो आपके हो रहे 56 घंटे, 56 घंटे आप सो रहे हो, 56 आवर्स आप सो रहे हो हफ्ते में से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाओ, 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, माइंड को रिलैक्स कर दो, 3 घंटे आप रिलैक्स कर लो, 3 घंटे आप जो चाहे वो कर दो, मोबाइल देखो, रील्स देखो, टीवी देखो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, दोस्तों के साथ गपशप लड़ाओ, मोमोज खाने जाओ, चाय पीने जाओ, जो करना है करो, 3 घंटे सफिशियंट है आपको ये सारा टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो 3 घंटे अगर आपने 7 दिन टाइम पास कर लिए, 3 घंटा हर दिन, 3 घंटा हर दिन, 3 घंटा मंडे, 3 घंटा ट्यूजडे, 3 घंटा वेडनेसडे, ऐसे हर दिन अगर आपने हफ्ते में टाइम पास कर लिया तो आप 21 घंटे टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, 21 घंटे आप रिलैक्स हो रहे, टाइम पास नहीं बोलते, चलो रिलैक्स हो रहे बोलते, तो ये टोटल अगर हमने मार लिए तो टोटल कितने बन रहे, 117 घंटे बन रहे, यानी कि 40 घंटे स्कूल के, 56 घंटे सोने के और 21 घंटे हमारे हो गए टाइम पास करने के, रिलैक्स होने के, तो टोटल हो गए 117 घंटे। पर 1 हफ्ते में 7 दिन में हमारे पास टोटल कितने घंटे होते हैं? टोटल हमारे पास होते हैं 168 आवर्स। अब देखो 3 घंटों से ज्यादा आप क्या टाइम पास करोगे, 3 घंटे से ज्यादा आप कितने ही रील्स देखने वाले, आप मेरे को बोलो, ठीक है, 8 घंटों से ज्यादा आप कितना ही सोने वाले, स्कूल का तो जो टाइम है वही रहने वाला है। तो 168 में से अपन अगर 117 माइनस कर दे तो आपके पास बस बच रहे, पूरे बच रहे 51 आवर्स, बच रहे 51 आवर्स। क्या 51 आवर्स कम है पढ़ाई के लिए? आपको लग रहा है भाई आप 1 घंटा पढ़ाई को बुक लेके बैठे हो ना, आपको लगता है भाई कितना टाइम हो गया पढ़ के, क्या 51 घंटे कम है पढ़ाई करने के लिए? क्या 51 आवर्स कम है पढ़ाई करने के लिए? नहीं ना भाई, पूरे हफ्ते में 51 आवर्स है तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए, सारा टाइम पास करने के बाद भी 51 आवर्स। अगर एक बच्चा चाहे ना तो 51 आवर्स में पूरा उखाड़ दे, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन कर ले, अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करने बैठ रहे हो, अगर आपके मन में सच्ची है कि यार माँ बाप के लिए अच्छा स्कोर लाना है, जिस माँ बाप ने हमारे लिए आज तक इतनी मेहनत की, 10th तक हमारे लिए इतनी मेहनत की, आज 10th में हमने उस सारे मेहनत का फल उन्हें देना है, जिस बच्चे के दिमाग में ये चीज आ गई ना भाई, उस 51 आवर्स का वो यूटिलाइज कर लेगा। 51 आवर्स यानी कि क्या, दिन के 7 घंटे आपके पास बच रहे, चलो 7 घंटे आपसे पढ़ाई नहीं होती तो मैंने और एक वीडियो डाला जिसमें बस आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लो, टाइम टेबल बना के दे दिया वाला है, तो आप पूरा सिलेबस कवर करके रिवीजन भी कर सकते हो। तो 7 में से और 2 घंटे मैं बोल रही हूँ चलो टाइम पास कर लो, 5 घंटे आप सीरियसली पढ़ लोगे ना, 5 घंटे हर दिन में, बस 5 घंटे, 24 घंटों में से 5 घंटे तो भाई टॉप कर सकते हो भाई, 95 आराम से ला सकते हो। देखो यार 100 बच्चे बैठते एग्जाम को, ठीक है, 100 बच्चे बैठते हैं, उसमें से बस 10 बच्चे टॉप कर पाते हैं और 90 बच्चे फेल हो जाते हैं, 10 बच्चे टॉप कर पाते हैं और 90 बच्चे फेल हो जाते हैं। अब उन 10 बच्चों के पास भी 24 घंटे थे, इन 90 बच्चों के पास भी 24 आवर्स ही थे, ऐसा नहीं कि भगवान ने इनको 72 आवर्स दिए थे एक दिन में और इनको 24 दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था, सबके पास सेम टाइम था।
इन्होंने भी मस्ती की, इन्होंने भी इंजॉय किया, इन्होंने भी सब कुछ किया, इन्होंने भी मस्ती की, इन्होंने भी इंजॉय किया, पर स्कोर इन्होंने ज्यादा लाया। क्यों? क्योंकि जो मस्ती करने का जो टाइम बच रहा था वो उन्होंने पढ़ाई में दिया, वो उन्होंने बराबर यूटिलाइज किया। और ये जो बच्चे थे, ये जो मस्ती करने के बाद भी जो टाइम बच रहा था इन्होंने वो भी वेस्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि भाई अब टाइम ही नहीं है, अब पूरा साल वेस्ट कर दिया, अब 1 महीने में क्या होगा, इसलिए जाने दो, क्या ही पढ़ना है, 70 ला लेंगे, 80 ला लेंगे। तो अगर इन बच्चों के साथ हो ना, इन 90% वाले बच्चों के साथ हो, इन 90 बच्चों के साथ हो जो कि 80-70% में खुश है, तो भाई वीडियो अभी बंद कर दो। पर अगर वो बच्चे हो, वो 10 बच्चे हो जो कि लाना चाहते हैं मार्क्स, तो ये वाला फॉलो करो, दिन में से 5 घंटे पढ़ाई कर लो। बहुत घंटे बच रहे भाई, एक हफ्ते में पूरे 51 आवर्स बच रहे आपके पास, पूरे 51 आवर्स डिवाइड करके देखो, बस दिन के 4-5 घंटे भी दे देना तो माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो, माँ बाप के आंखों में वो चमक ला सकते हो, खुद के लिए वो प्राउडनेस ला सकते हो, खुद के लिए वो रिस्पेक्ट ला सकते हो। अब कुछ ऐसे 5 टिप्स देने वाली हूँ जो कि अगर आपने कर दी तो आप आराम से 95 अचीव कर सकते हो। क्या है वो 5 टिप्स? पहला, मैनेज योर टाइम। मैनेज योर टाइम से ज्यादा तो सेव योर टाइम, सबसे पहली बात सेव योर टाइम। रील्स 2 घंटे देखते हो, इंस्टा पे 2 घंटे बैठते हो, एवरेज टाइम रील्स इंस्टाग्राम पे आपको दिखता है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, 2 घंटे बैठते हो, मिनिमाइज कर दो 30 मिनट पर, आधा घंटा ही बैठो। ठीक है, सोशल मीडिया पर 2-4 घंटे दे रहे हो, आधा घंटा ही बैठो। मम्मी बोल रही है कि जा बेटा दुकान से कुछ ला दे, छोटा भाई बहन होगा घर पे या मम्मी होगी, डायरेक्टली बोल दो कि मम्मी बस 1 महीना है मेरे पास, 1 महीने में मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बस पढ़ाई करने वाला हूँ, प्लीज आप ये काम किसी और को बोल दो। ठीक है, जितना टाइम हो सके उतना टाइम सेव करो, जितना टाइम हो सके, 15-15 मिनट भी मिल रहे हैं ना कहीं से, तो वो टाइम सेव करके रखो खुद के पास, वो एनर्जी सेव करके रखो और वो सारी एनर्जी पढ़ाई में डाल दो। ठीक है, जितना हो सके उतना अपना टाइम क्या करना है, सेव करना है। और आप पूछ रहे हो कि दीदी कौन से दिन कौन सी स्टडी करे, कौन सा सब्जेक्ट निपटाए, कितने देर निपटाए, क्या क्या करना है, तो वो वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आई बटन में डाल दूंगी, वो वाला वीडियो जाके देख लेना। सेकंड चीज, टू डू लिस्ट से ज्यादा ना स्टॉप डूइंग लिस्ट बना लो। अब टू डू लिस्ट तो बहुत लोग बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि टू डू लिस्ट में आपका क्या क्या चाहिए, फिर स्टॉप डूइंग लिस्ट में आपका क्या क्या चाहिए। सोशल मीडिया स्टॉप डूइंग लिस्ट में चाहिए, फालतू का टाइम पास आपका स्टॉप डूइंग लिस्ट में चाहिए। ठीक है, जो आप फालतू की आवारागर्दी करते हो वो वाला टाइम जो है आपका स्टॉप डूइंग लिस्ट में चाहिए। ये सारा जो आपके फालतू चीजों में टाइम जा रहा है, ठीक है, फालतू चीजें करने को पूरी दुनिया पूरी पूरी लाइफ बोलिए। 10th की छुट्टियों के बाद ना 2 महीने इतने फ्री रहोगे ना आपके, आप बोर हो जाओगे कि हमारे पास कुछ ही नहीं है। उन 2 महीने में जितनी आवारागिरी करनी है, जितना रील्स देखना है देख लेना, पर अभी का जो टाइम है ना वो उसके लिए सेव कर लो, पढ़ाई के लिए सेव कर लो। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका स्टॉप डूइंग लिस्ट में। थर्ड, डीप फोकस्ड। 5 घंटे आप दिन के पढ़ रहे हो, पर उसमें से 1 घंटा ऐसा पढ़ो ना, इतना डीपली पढ़ो ना, पूरा खुद को आइसोलेट कर दो, ऐसा कि आपको ना किसी का आवाज आने वाला है, ना आपका आवाज किसी को जाने वाला है, आप बाहर की दुनिया से पूरे कट ऑफ हो गए हो। ऐसा 1 घंटा खुद को देखो और देखो उस 1 घंटे में आपकी ऐसी पढ़ाई होगी ना जो बाकी के 6 घंटों में भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ऐसी पढ़ाई होगी। तो बस खुद को, खुद के लिए, खुद के लाइफ में से 1 घंटा दिन का दे दो जो कि होगा डीप फोकस स्टडी, आप और आपकी बुक्स, बाकी कुछ भी नहीं, ना आपके दिमाग में कुछ है, ना आपके साइड में कुछ है, ना कुछ आपके सामने कुछ है, बस आप और आपकी पढ़े। ऐसा 1 घंटा खुद के लाइफ में से खुद को दे दो और देखो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ बढ़ती है। फोर्थ चीज आएगी, लिमिट योर सोशल मीडिया। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई सोशल मीडिया है ना इतने 1 महीने के लिए लिमिट कर दो, ठीक है, इसके बाद आपको जितना स्क्रोल करना है 11th में कर दो, 12th में कर दो, जो करना है करो, पर 10th जैसा मौका फिर नहीं आएगा। 12th में 90% स्कोर करना इतनी इजी बात नहीं होती, 10th जैसा मौका फिर नहीं आएगा बच्चा लोग, अभी ही अपने सोशल मीडिया को लिमिट करो। बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए, एकदम से पूरा पूरा नहीं छूटने वाला, मुझे पता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अकाउंट डिलीट कर दो, दोस्तों के साथ मत जाओ, जाओ रिलैक्स हो, पर जहाँ पे 5 घंटे डाल रहे हो ना वहाँ पे 1 घंटा ही डालो, जहाँ पे 2 घंटा डाल रहे हो वहाँ पे आधा ही घंटा डालो। और ये मैं मेरे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कहने के करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये आपको खुद के लिए करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना है, आपको देखना है कि यार अगर आपने कुछ ठहराया तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आपको खुद के लिए करना है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम डीमोटिवेटेड पीपल। अब देखो ना आपके लाइफ में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई ना पूरे डल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। आप अगर जा रहे हो, आपने मेरे वीडियो देख लिया, आप बोलोगे कि हाँ दीदी ने जैसा बोला मैं वैसे ही करूँ। आप आपके दोस्त के पास गए, आपके दोस्त को आपने बोला कि देख भाई मैं ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूँ और मैं 95% लाने वाला हूँ। अब आपका दोस्त डीमोटिवेटेड, आपका दोस्त आपको बोलेगा यार चुप ना यार, तू नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, अपन दोनों सेम है, नहीं करते ना यार, छोड़ चल बंक मार लेते। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना जो आपको बोल रहे कि भाई तू नहीं कर सकता, ऐसे जो लोग हैं जो आपको बोल रहे कि भाई तू नहीं कर सकता, इनको पहले अपने दुनिया से, पहले अपने लाइफ से बाहर निकालो। जो पहले अपने लाइफ से बाहर निकालो, बोलो चलते बनो, बोलो
मेरे पास आओ मत जब तक मेरे बोर्ड्स के एग्जाम होते नहीं। बोर्ड्स के एग्जाम के बाद फिर से घूमने चल जाएंगे, पर बोर्ड्स के एग्जाम होने तक मुझे डीमोटिवेटेड पीपल, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स अपने साइड में नहीं चाहिए, ऐसा उनको डायरेक्टली बोल दो और इन सारे लोगों को अपनी जिंदगी में से कट ऑफ कर दो। अब जिन्होंने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, जिन जो 5 घंटे खुद को दे रहे, 5 घंटे सच्ची पढ़ाई कर रहे हैं दिन में से, मेरी स्ट्रेटेजी देख के, मेरा ये वीडियो देख के, मैं बोलती हूँ कि ऐसे बच्चों को ना कोई नहीं रोक सकता 95% अबाव लाने से, 90% अबाव लाने से, पर माइंडसेट बनाओ उस वो एफर्ट जो सिर्फ वीडियो देख के नहीं होने रहा। ऐसे आप देखो, अब यहाँ पे 100 बच्चे वीडियो देखेंगे, 100 में से 90 बच्चे ऐसे होंगे जो बस वीडियो देखेंगे, पर 10 बच्चे जो ऐसे होंगे वो वीडियो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, वो इस वीडियो में जो बोला है वो सच्ची अपने लाइफ में करेंगे और वही 10 बच्चे स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो मैं बच्चे, बाकी के 90 बच्चे हैं, 90 बच्चे जो है उनको बोलना चाहती हूँ कि बस वीडियो देख के जाओ मत भाई, बस व्यूज देके मत जाओ, ये वीडियो में जो भी कहा है वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो और अच्छा स्कोर करके आ जाओ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई शेयर कर देना अपने नमूनों दोस्तों के साथ और उन्हें भी बोलना कि भाई चल अब मिलके स्कोर करते हैं, मिलके बंक मारा था अब मिलके स्कूल में टॉप भी मारते हैं, उन्हें बोल देना। और हाँ, कमेंट में लिख देना कि दैट यू आर गोना स्कोर 95%। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करना और सब्सक्राइब जरूर करना।